नमस्कार, मैं हूं अर्चिता सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक। रुपौली उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल कर चुके शंकर सिंह को लेकर के अब तमाम तरह की जो अटकलें हैं वो लगने लगी है। शंकर सिंह को लेकर के अब चर्चा ये होने लगी है कि जीत के बाद शंकर सिंह किसका साथ देंगे। क्या शंकर सिंह जो है वो नीतीश के साथ जाएंगे, लोजपा के साथ जाएंगे, या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का साथ देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जन स्वराज का साथ देने की बात क्यों कही जा रही है, क्यों ये चर्चा उठने लगी है शंकर सिंह के जीत के बाद से। तो आपको बता दें कि दरअसल जन स्वराज के जो प्रवक्ता हैं संजय ठाकुर, उन्होंने शंकर सिंह के जीत के बाद एक वीडियो जारी किया। वीडियो जारी करते हुए उन्होंने शंकर सिंह की खूब तारीफ की और बिहार की तमाम जो परिस्थिति है राजनीति को लेकर के उस पर भी खूब कटाक्ष किया है। सबसे पहले आपको वो बयान सुनाना चाहते हैं, वो वीडियो दिखाना चाहते हैं संजय ठाकुर का, क्या कुछ कह रहे हैं आप वो सुनिए। पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव का परिणाम आया है और वहां से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जी 8000 से अधिक मतों से विजयी हुए हैं। इस खबर ने यह प्रमाणित कर दिया है कि बिहार की जनता परिवर्तन के लिए बेचैन है, आतुर है और उसने राजद गठबंधन और भाजपा गठबंधन दोनों को पटखनी दी है, दोनों को पराजित किया है। इतना ही नहीं, जदयू के वहां प्रत्याशी कलाधर मंडल 8000 वोट के अंतर से चुनाव हारे हैं तो 20000 वोट पाकर राजद प्रत्याशी बीमा भारती तीसरे पायदान पर चली गई हैं। इस परिणाम ने जहां नीतीश कुमार को सबक सिखाया है, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव जो नौवीं फेल हैं, जिन्हें राजद ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है, उनकी यह पहली और करारी हार है। तो सुना आपने, संजय ठाकुर ने जिस तरीके से शंकर सिंह के जीत का समर्थन किया है और तमाम पार्टियों पर कटाक्ष किया है, संजय के इस बयान के बाद से अब सवाल उठने लगे हैं क्या शंकर सिंह जनसुराज का साथ देंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जिस तरीके की राजनीति की अपील लोगों से कर रही है, जिस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं बिहार में, लोगों से जिस तरीके से वो अपील कर रहे हैं वोट देने के लिए, विकास के मुद्दे पर लोगों से जुड़ रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं, देखिए कि पूर्णिया में वो असर भी दिखने लगा है कहीं ना कहीं। अब पूर्णिया वैसा जिला बन गया है जहां पर आप देखिए कि लोगों का भरोसा किसी दल पर नहीं है, जो दल में है वो दिल में नहीं है और जो निर्दलीय है वो यहां पर लोगों के दिल में बसते हुए जा रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण पहले लोकसभा चुनाव और अब रुपौली का उपचुनाव है। देखिए कि कई दिग्गज लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन जनता ने चुना निर्दलीय सांसद वहां से पप्पू यादव को, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वहां से खड़े थे। रुपौली में भी वही हाल हुआ, आरजेडी की तरफ से बीमा भारती खड़ी थी जो कि 5 बार की विधायक रही हैं, दिग्गज नेता हैं। इसके अलावा कलाधार मंडल जेडीयू की तरफ से खड़े थे, कहा जा रहा था कि ये मुकाबला जो है वो मुख्य रूप से आरजेडी वर्सेस जेडीयू में है, वो इसलिए क्योंकि बीमा भारती वहां से 5 बार की विधायक रही हैं और जेडीयू को लेकर के कहा जा रहा था कि जेडीयू की ये परंपरागत सीट है। लेकिन इस बार पूर्णिया की जनता ने खेल कर दिया, पासा पलट दिया पूरी तरीके से और किसी भी दल पर भरोसा ना जता करके सीधा सीधा निर्दलीय उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। ऐसे में अब चर्चा ये शुरू हो गई है कि शंकर सिंह निर्दलीय चुनाव तो जीत गए लेकिन अब साथ किसका देंगे, क्या वो जनसुराज की पार्टी में शामिल होंगे, क्या 2025 में जब पीके चुनाव लड़ेंगे तो उनका खाता खोलेंगे, या फिर शंकर सिंह किसी दल के साथ जुड़ेंगे, देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।